हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से। तो कैसे हो आप लोग? तो आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज मैं फिर से आया हूँ आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो है आइसोमराइजेशन। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, आइसोमराइजेशन, ठीक है आपका ये 11th 12th BSc MSc कॉम्पिटिटिव एग्जाम हर तरीके से उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखो, इसमें मैं आपको जैसे जैसे कराऊंगा, सिर्फ आपको उसको नोट करते जाना है और आपको उसको फिर रिवाइज करो दो तीन बार, फिर समझो, फिर जाकर ये समझ में आएगा आपको अच्छे से। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है ये लगता है बच्चों को, लेकिन धीरे धीरे समझ जाओगे। लेकिन जैसे जैसे मैं कराऊंगा आपको कई सारी एग्जाम्पल्स दे करके, ठीक है, अच्छे से समझाऊंगा। तो शुरू से लेकर के एंड तक जरूर को देखना वीडियो को, और बीच में एंड मत करना और बीच में स्किप मत करना वीडियो को। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आइसोमराइजेशन या आइसोमर्स किसको बोलते हैं? आइसोमराइजेशन एक फिनोमिना है, ठीक है, जिसमें हम आइसोमर्स पढ़ते हैं। क्या होता है आइसोमर? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम। उसमें क्या आइसोमर्स में क्या होता है कि मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन जो एटम्स की अरेंजमेंट होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, अभी सब कुछ धीरे धीरे समझोगे। तो पहले ये देख लो, पहले उसकी डेफिनेशन में बाद में समझाऊंगा आपको। पहले आइसोमर्स कितने टाइप्स के होते हैं ये देख लो, आपको पढ़ना है कौन कौन सा, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स। आइसोमर्स टू टाइप्स के हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड स्टीरियो आइसोमर। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने टाइप्स के हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 6 टाइप्स के हैं और स्टीरियो आइसोमर्स 2 टाइप्स के हैं। ठीक है, तो इसमें आते हैं आपके चेन ब्रांच आइसोमर्स, पोजिशन आइसोमर्स, मेटामर्स आइसोमर्स और फंक्शनल आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स, टॉटोमर आइसोमर्स। ठीक है, रिंग इसमें क्या है, स्टीरियो आइसोमर में जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म है और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है। इसमें आप इसको ये पढ़ोगे तो एक एक करके अच्छे से डिटेल से समझेंगे हम। ठीक है, सारी टॉपिक को। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइसोमर्स में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में ये सब पढ़ेंगे इसका। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, इसमें आपको मॉलिकुलर फॉर्मूला आइसोमर्स में सेम होता है हर जगह, तो आपको हर जगह ये लिखना है कि कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट। देखो, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मतलब कि डिफरेंट किस में होगा, स्ट्रक्चर में होगा, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं C5H12 का, ठीक है, पेंटेन का, जैसे कि C C C C एंड C। इसमें आप कार्बन, इसमें आप पांच कार्बन है, पेंटेन है, तो इसमें आप हाइड्रोजन अपनी तरफ से ऐसे लगा दो, CH2 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 एंड CH3। ठीक है, ये क्या है आपका नॉर्मल पेंटेन है। ठीक है, इसमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देख करना है आपको। फिर इसमें हम यहाँ पर लगा दो सी, यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3, यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2, यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3, यहाँ पर क्या हो जाएगा CH, और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3। ये क्या हो गया आपका आइसोपेंटेन। ठीक है, देखो इसमें भी यही है C5H12, मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, बस डिफरेंट स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। आपने 10th क्लास में पढ़ रखा होगा आइसोमर्स, लेकिन उसका बेस उसका बहुत ही थोड़ा सा पढ़ा हुआ है आपने। ठीक है, तो यहाँ पर डिटेल से पढ़ोगे आप 11th क्लास में। ये क्या है आपका नियोपेंटेन। ठीक है, और यहाँ पर 5 कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका नियोपेंटेन। ठीक है, मतलब कि स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इसमें आप ये लिख के आओगे और ये बना करके आओगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स किसकी, हम बात करते हैं अब कि स्ट्रक्चरल आइसोमर के बाद हम बात करते हैं स्टीरियो आइसोमर्स की डेफिनेशन। ठीक है, स्टीरियो आइसोमरिज्म, ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स या स्टीरियो आइसोमर्स भी बोल सकते हो। इसमें क्या लिखोगे आप, सेम वही लिखोगे, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम जो होता है वो इसमें डिफरेंट होता है, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस।
ठीक है। कैसे, देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ ब्यूट टू इन का, CH3 CH CH एंड CH3। इसका हम, इसमें डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम होता है, वॉन्ट सी, ठीक है। यहाँ पर H, CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, ठीक है। एक ऐसे बना सकते हैं हम, एक और ऐसे बना सकते हैं हम, यहाँ पर H, यहाँ CH3 और यहाँ पर CH3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, देखो अगर यहाँ पर इसको हम बोले, इसका नाम क्या है, ब्यूट टू इन, ठीक है, 1 2 3 4, ब्यूट टू इन, इसका नाम भी ब्यूट टू इन है, लेकिन हम इसको बोलते हैं सिस ब्यूट टू इन। सिस और ट्रांस होते हैं, ये है ट्रांस, सिस ब्यूट टू इन, और ये है आपका, सॉरी, ट्रांस ब्यूट टू इन एंड सिस ब्यूट टू इन। अब सिस और ट्रांस क्या होते हैं, देखो जब भी कोई भी जो ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ, कोई भी ग्रुप लगा हुआ, अल्काइल ग्रुप है या हाइड्रोजन, जब वो अपोजिट होंगे एक दूसरे के, वहाँ हम ट्रांस करते हैं, और जब वो एक दूसरे के साइड में एडजेसेंट होंगे, अपोजिट नहीं होंगे, वहाँ हम सिस लगाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, आपके आगे इसमें काम आएगा आपको, ठीक है। जहाँ पर अपोजिट होते हैं वो, तो वहाँ पर हम ट्रांस लगाते हैं, और यहाँ पर क्या, सिस लगाएंगे जब वो अपोजिट नहीं होते। दोनों का फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट क्या है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम है, एटम का अरेंजमेंट डिफरेंट है इसमें, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं हम चेन आइसोमर्स की, चेन ब्रांच आइसोमर्स भी बोल सकते हो, ठीक है। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप लिख देना साथ में, ठीक है। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्टूडेंट सब में सेम होता है, आइसोमर्स की यही खास बात है, लेकिन जो थोड़ा चेन आइसोमर्स मतलब कि चेन में डिफरेंस होगा, ठीक है, इसको वर्ड से पता लगा लेना। बट डिफरेंट कार्बन एटम, जो कार्बन एटम होंगे चेन के अंदर, कार्बन एटम होंगे वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। डिफरेंट कार्बन एटम इन चेन, कैसे, देखो फॉर एग्जाम्पल देख लेता हूँ, ठीक है। कैसे होगा, C4H10 या C5H12 लिख लो, ठीक है, C, ठीक है। मैंने आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का एग्जांपल देकर बताया था, C, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर CH3, अब हाइड्रोजन बैलेंस कर लो, CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH3, ठीक है। यहाँ पर CH3, CH2, CH2, CH3, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या हो गया आपका, नॉर्मल पेंटेन, ये क्या होगा आपका आइसोपेंटेन, ठीक है। ये क्या होगा आपका नियोपेंटेन। यहाँ पर क्या हो रहा है, चेन आइसोमर कैसे है, यहाँ पर जो चेन है, यहाँ पर जो डिफरेंट कार्बन एटम इन चेन, इस चेन में कार्बन एटम कितने थे, 1 2 3 4, इस चेन में कितने हैं, 1 2 3 4, इसमें 5 कार्बन एटम थे, इसमें कितने, 4 कार्बन एटम है, और इसमें कितने हैं, 3 कार्बन एटम है, ठीक है। तो चेन आइसोमर्स में जो चेन के अंदर जो कार्बन एटम होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं चेन आइसोमर्स, ठीक है। तो ये आप एग्जांपल में लिख के आओगे, ठीक है, एग्जाम में आप लिखोगे तो ये लिख के आओगे, ठीक है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हम पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आई होप आप लोगों को। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ एटम्स, ठीक है, पोजीशन ऑफ एटम्स लिख सकते हो या फंक्शनल ग्रुप लिख सकते हो, फंक्शनल ग्रुप ही लिखोगे, ठीक है। डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन आइसोमर्स मतलब कि पोजीशन, जो फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन होती है वो डिफरेंट होती है। एग्जांपल अभी दूंगा तब आपको समझ में आएगा, डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसमें भी डिफरेंस होता है। देखो कैसे, एग्जाम्पल देते हैं हम C4H8 का, मतलब कि C4H8 कैसे बनेगा, CH3CH
सी एच सी एच थ्री सी फोर एच एट, ठीक है आठ हाइड्रोजन गिन लो। तो अब बॉन्ड बीच में डबल बॉन्ड, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या स्टूडेंट्स, ब्यूट टू इन। अब इसमें देखो पोजिशन आइसोमर्स में कैसे होगा, मैं अभी बता रहा हूँ इसका, बॉन्ड का बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट होगी, इसके हम बोलते हैं पोजीशन आइसोमर। एक एग्जांपल पोजीशन इसका देखते हैं, ठीक है तो इसमें कैसे होगा, इसका एक एक आइसोमर तो इसका ऐसे बन सकता है, ऐसे देखो इसमें जो पोजीशन होगी बॉन्ड की डिफरेंट होगी, मगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ सी एच थ्री होगा, यहाँ सी एच टू होगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट सी एच टू, और यहाँ पर कितना क्या आ जाएगा सी एच, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, देख लो हाइड्रोजन अभी भी आठ है, यहाँ पर तीन चार पाँच छः सात आठ, और चार कार्बन है, बस डिफरेंस क्या आ गया बॉन्ड मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया। एक और क्या कर सकते हैं हम, सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री सी एच टू एंड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ठीक है। अब मैंने बॉन्ड को कहाँ शिफ्ट कर दिया, यहाँ पर कर दिया शिफ्ट, ठीक है पहले यहाँ पर शिफ्ट कर दिया बॉन्ड को, अब यहाँ पर शिफ्ट कर दिया बॉन्ड को, ठीक है ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, सी फोर एच एट, इसका भी सी फोर एच, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा इसका, ठीक है। बट क्या होगा, इसके अंदर पोजीशन अलग अलग हो जाएगी बॉन्ड की। अब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन कैसे अलग होगी, देखो हम एग्जांपल लेते हैं इसका, इसका इसका एग्जांपल लेते हैं सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू ओ एच, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज कर दो, अभी फंक्शन ग्रुप की पोजीशन यहाँ पर है, अब मैं फंक्शन ग्रुप को अगर यहाँ ले आता हूँ, यहाँ अभी वन पे है, अगर मैं फंक्शन ग्रुप को टू पे ले आता हूँ तो क्या बनेगा, यहाँ पर ओ एच, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सी एच सी एच थ्री, और यहाँ पर क्या आ जाएगा सी एच थ्री, ठीक है। तो अभी क्या है ये, इसका नाम क्या है प्रोपेन वन ओल, इसका नाम क्या है प्रोपेन टू ओल, ठीक है। तो क्या है इसमें पोजीशन जो है वो डिफरेंट हो जाती है, जो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन है वो डिफरेंट हो जाती है, और बॉन्ड की जो पोजीशन है वो डिफरेंट हो जाती है, किसमें पोजीशन आइसोमर्स में, ठीक है। तो ये था आपका पोजीशन आइसोमर। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं मेटामर आइसोमर्स की, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कंपाउंड कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन, जो नंबर ऑफ कार्बन जो होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम अलोंग फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप के जो आसपास जो कार्बन होते हैं उसमें क्या होता है, डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। कैसे देखो, एग्जांपल देके समझाता हूँ तब समझ में आएगा। एग्जांपल ऐसे है सी एस थ्री सी एस थ्री ओ सी एस टू सी एस थ्री, ठीक है। एक और सी एस थ्री सी एस टू ओ सी एस थ्री, इसके इधर साइड टू कार्बन है, इसके इधर साइड वन कार्बन है, इसके लेफ्ट साइड में वन कार्बन, इसके लेफ्ट साइड में टू कार्बन है। तो इसका नाम क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, इसका क्या नाम है, इसका नाम है मिथॉक्सी, इसको बोलते हैं मिथॉक्सी इथेन। इसका नाम क्या है, इथॉक्सी मिथेन, ठीक है ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो सी एस टू और सी एस थ्री, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथॉक्सी इथेन हो जाएगा, इथॉक्सी इथेन, ठीक है। मतलब कि क्या है इसमें, क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसके आसपास कितने हैं, देखो टू कार्बन है, इसके टू कार्बन, लेकिन इसके आसपास यहाँ वन है, यहाँ पर टू कार्बन है। तो मतलब क्या है कि इस फंक्शनल ग्रुप के जो पास में जो लेफ्ट राइट में जो कार्बन होंगे वो डिफरेंट होंगे। ये आपका फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल में क्या लिख सकते हो आप, एग्जांपल में लिख सकते हो इसमें जो एग्जांपल होंगे वो आपके होंगे ईथर और एस्टर और एमाइड, इससे आप ध्यान रखना। तो ये क्या है आपका ईथर है, आर ओ आर ग्रुप का है, ठीक है आर ओ आर। एक और एग्जांपल क्या हो जाएगा, आपका एस्टर का हो जाएगा, कैसे सी एस थ्री सी एस टू सी ओ ओ सी एस थ्री, ठीक है। एक फिर उसके बाद सी एस थ्री सी एस टू सी ओ ओ सी टू एच फाइव, सी टू एच फाइव क्या होता है स्टूडेंट्स, इथाइल। तो यहाँ पर क्या है ये, इसका नाम क्या है मिथाइल, मिथाइल, इसको मिथाइल, और फिर
वन टू थ्री प्रोपेनोएट, ओ एट लगता है सी डबल बॉन्ड ओ में, प्रोपेनोएट ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसके इस फंक्शनल ग्रुप के अलोंग देखो कार्बन कितने डिफरेंट है, कार्बन एटम क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं, कार्बन एटम क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं देखो। तो यहाँ पर इसके यहाँ पर वन है, यहाँ पर इसके आसपास क्या है टू कार्बन, यहाँ वन है, यहाँ पर भी देखो ऐसे क्या, यहाँ पर टू कार्बन है, यहाँ पर भी इस फंक्शन ग्रुप के पास में देखो क्या है, मतलब कि कार्बन एटम डिफरेंट होते हैं फंक्शनल ग्रुप के अलोंग कार्बन एटम डिफरेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं मेटामर आइसोमर। इसका नाम क्या लिखोगे आप, पहले लिखोगे इथाइल, फिर लिखोगे आप वन टू थ्री इथाइल प्रोपेनोएट ठीक है। तो ये आपका था मेटामर का एग्जांपल ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप इसको करते हो, एमाइड का भी लिख सकते हो, एमाइड का एग्जांपल सी एस थ्री एन एच सी एस टू सी एस थ्री, तो इसका एग्जाम्पल इसका क्या है एन मिथाइल, एन मिथाइल और फिर एन मिथाइल इथेन, इथेन अमाइड, एन मिथाइल इथेन अमाइड ठीक है, इसका एग्जांपल ये है। और इसका एक और एग्जांपल ऐसे लिख सकते हो सी एस थ्री एन एच सी एस टू सी एस टू और सी एस, यहाँ पर तीन कार्बन हो गए, यहाँ टू कार्बन है ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन एटम फंक्शनल ग्रुप के कार्बन अलोंग कार्बन एटम डिफरेंट डिफरेंट है, और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के कार्बन एटम फंक्शनल ग्रुप के अलोंग कार्बन एटम डिफरेंट डिफरेंट है, हम वहाँ पर क्या बोलते हैं उसको मेटामर बोलते हैं। तो एन मिथाइल प्रोपेन प्रोपेन फिर NH2 जो NH ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं अमाइड ठीक है। तो ये आपका था मेटामर ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, फंक्शनल फंक्शनल आइसोमर्स, फंक्शनल ओ एन एल, इसमें क्या होगा नाम से पता चल रहा है फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होंगे ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो जाएगा पूरा का पूरा, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट क्या होंगे, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो जाएगा कैसे देखो, कैसे C2H8O C2H6O सॉरी ठीक है। ये और एक और क्या बन सकता है ऐसे CH3O CH3, इसका नाम क्या हो गया स्टूडेंट्स मिथॉक्सी मिथेन, और इसका नाम क्या है इथेनॉल ठीक है, इसका नाम इथेनॉल है, इसका नाम क्या है मिथॉक्सी मिथेन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इथेनॉल एंड मिथॉक्सी, इसको मिथॉक्सी बोलेंगे और फिर एक मिथेन ठीक है। तो हम यहाँ लिख क्या लिख सकते हैं कि ये क्या है अल्कोहल ग्रुप का, ये क्या है ईथर आर ओ आर आर ओ आर ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं अल्कोहल एंड ईथर आर फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईच अदर ठीक है, आप इसको ये लिख सकते हो। इसके बाद एक और एग्जांपल मैं देख बताता हूँ, देखो अच्छे से समझोगे C3H6O, तो इसका कैसे करेंगे CH3CH2CHO, और एक तो ये बन गया, एक और क्या बनेगा इसका डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप में CH3 ठीक है। देखो यहाँ पर भी कार्बन तीन है और इसमें भी कार्बन तीन है, हाइड्रोजन सिक्स है इसमें भी हाइड्रोजन सिक्स है, एक ऑक्सीजन इसमें, इसमें भी एक ऑक्सीजन है ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन सा ग्रुप का हो गया एल्डिहाइड हो गया, ये कीटोन ग्रुप हो गया, इसका नाम क्या हो गया स्टूडेंट्स प्रोपेनल प्रोपेनल ठीक है, प्रोपेन वन अल भी लिख सकते हो ठीक है। और इसका नाम क्या हो गया कीटोन, ये कीटोन है ठीक है, कीटोन ग्रुप का है, तो प्रोपेनोन लिख सकते हो इसको प्रोपेनोन ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर कि अल्डिहाइड अल्डिहाइड एंड कीटोन आर क्या है एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईच अदर ठीक है, इस तरीके से इसको कर सकते हो। इसके बाद एक और एग्जांपल देख के बताता हूं मैं आपको, एक और एग्जांपल देख लो, थर्ड एग्जांपल है C3H6O2, तो CH3
CH2COOH, ठीक है, 3 6 हाइड्रोजन इसमें भी है और 3 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, और एक और क्या बन सकता है इसका, CH3COO और CH3, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां पर इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है स्टूडेंट्स, प्रोपेनोइक एसिड, इसका नाम क्या है, मिथाइल और इथेनोएट, ठीक है। ये कौन सा ग्रुप है, ये RCOOR, ये एस्टर है, इसको हम एस्टर बोलते हैं, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या लिख सकते हो आप यहाँ पर कि कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर आर एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईच अदर, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप देखो डिफरेंट है, सब में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, इसमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, लेकिन जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है सेम है, उसी से बने हुए हैं, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप दूसरे से डिफरेंट होते हैं, तो ये फंक्शनल ग्रुप है। इसके बाद आएगा आपका रिंग चेन आइसोमरिज्म, फिफ्थ है आपका स्टूडेंट्स रिंग चेन आइसोमर्स, ठीक है। तो इसमें रिंग चेन आइसोमर्स में क्या है कि कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट एग्जिस्ट इन रिंग, ये क्या होता है, रिंग और चेन दोनों में एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम इसको रिंग चेन आइसोमर्स बोलते हैं। बट एग्जिस्ट इन रिंग एंड चेन, ठीक है, बट एग्जिस्ट इन रिंग एंड चेन टू ईच अदर। कैसे, देखो C4H8 इसका एग्जांपल लेते हैं, तो हम यहां पर लेते हैं रिंग में ऐसे बनेगा C4H8, क्योंकि यहां पर कार्बन है, यहां कार्बन है, CH2 और CH2, तो C4H8। तो मैंने यहां पर बना करके नहीं दिखाया है, क्योंकि ये साइक्लो कंपाउंड है, साइक्लो कंपाउंड में हम ऐसे करके नहीं दिखाते, हम ऐसे करके दिखाते हैं। तो इसका नाम क्या है स्टूडेंट्स आपका, साइक्लो ब्यूटेन, ठीक है। और इसी को अगर आपने चेन में बनाना हो तो चेन में कैसे बनाओगे, CC और 8 हाइड्रोजन होने चाहिए, तो CH3 और CH3, 6 तो यहीं पे हो गए, 7 और 8, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, डबल बॉन्ड आना चाहिए, ठीक है। इसका नाम क्या है, ब्यूट टू इन, तो यहाँ पर क्या है, ये एग्जिस्ट करता है चेन और रिंग दोनों में, ये वाला आइसोमर्स, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रिंग चेन आइसोमर, ठीक है, आपको ये एग्जांपल में ये लिख करके आना, ठीक है, एग्जाम में। तो इसको हम बोलते हैं रिंग चेन आइसोमर, ठीक है, इसका अगर एग्जाम्पल यही है, ये लिख दो के आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको यहीं तक बताऊंगा, जो इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगी, नेक्स्ट पार्ट जो आएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा अल्फा हाइड्रोजन कैसे फाइंड करते हैं, जो नेक्स्ट पार्ट आएगा सेकेंड पार्ट, उसमें बताऊंगा अल्फा हाइड्रोजन कैसे फाइंड करते हैं, और टॉटोमरिज्म उसी के बेस पे है, टॉटोमरिज्म वो भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही है, और आई होप आपको समझ में आई होगी वीडियो में, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेना और इसको 2-3 बार रिवाइज करना, ठीक है, और अपने आप से समझने की कोशिश करना एक बार, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार पीछे करके देख सकते हो दोबारा से। तो स्टूडेंट समझ में आया है तो पहले एक बार कमेंट करके जरूर बताओ कि समझ में आया कि नहीं, और वीडियो को लाइक कर देना एक, और सब्सक्राइब कर देना जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि मैं नेक्स्ट जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।